आपको इंदिरा आवास योजना का लाभ कब मिला था? 2014। आपके साथ में क्या हुआ? इंदिरा आवास योजना को लेकर आपने किसी को पैसे दिए हैं? हाँ, शुरू में 5000 रुपए लिया गया। क्यों लिया गया आपसे? कि कागज में लग रहे हैं। किसने लिया आपसे? सरपंच सचिव। सरपंच सचिव के अलावा? एडीओ। एडीओ ने आपसे खुद मांगा था या फिर सरपंच सचिव के दौरान? अब वो उसमें तीन में लिंक रहती थी उनकी, एक आदमी बोलता था। आपने किसको दिया पैसे? सरपंच ले चुके हैं, सरपंच सचिव। कितना पैसा दिया आपने उनको? अभी 25000 मिले थे, इसमें दिया 2000 सरपंच को, 1000 दिया सचिव को। आपने सरपंच सचिव को पैसे क्यों दिए हैं? वो खुद बोलते हैं हमने दूसरे साहब हमारे ऊपर, उनको भी देना पड़ता है, इसलिए दो पैसे। मान लो भाई, आपके मकान के किस्तें मिल गई पूरी? नहीं मिली अभी, 45000 वाला हुआ था 3% मद से, तो जिसमें से 45 में से 20000 पहली किस्त मिली 2 साल पहले मेरे को, दूसरी भी नहीं मिली और तीसरी भी नहीं मिली अभी तक मेरे। इसको लेकर आपने कहीं शिकायत किया था? कलेक्टर साहब के यहाँ 2 बार गया जनसुनवाई में मंगलवार को, तो मैडम बोलने लगी कि अब मिल जाएगी, बोले अब टेंशन मत लो, बोले आके देखता हूँ अकाउंट में, मेरे बरघाट में खाता खुलाया है स्टेट बैंक में, वहाँ खाते में देखा तो राशि नहीं आई, आई नहीं रही है। 2 बार गया कलेक्टर साहब के यहाँ, जिला पंचायत गया, जनपद पंचायत गया, मैं परेशान। महेश चौरसिया जी ने मुझे आवेदन किया था, उसमें ये था कि इंदिरा आवास में हितग्राहियों से जो शासन की योजना के फायदे मिलना चाहिए उसमें से एडीओ कोई श्रीवास सर है, उनके खिलाफ था कि वो पैसे लेते हैं 10000, किसी से 5000। आपके शासन काल में ये घटना घटी या फिर आपके पूर्व सरपंच के द्वारा? पूर्व की बात है, मैंने अपने शासन में तो ऐसा हुआ ही नहीं। आप क्या चाहते हैं? यही मैडम कि ये सब ना हो, करप्शन बंद ही हो जाए तो अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि इन हितग्राहियों का स्वीकृत राशि जल्द से जल्द प्राप्त हो ताकि ये अपने अपूर्ण कार्य को पूर्ण कर सकें। मेरी और इन हितग्राहियों की मदद करने हेतु इस नंबर पर कॉल कर अधिकारियों पर दबाव बनाएं। जनपद पंचायत बरघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नंबर है 9617285208। मैं रेखा भांगरे, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।